पानी के अंदर ऐसे बहुत से जीव हैं जो बड़े खतरनाक और जानलेवा हैं। ये जीव इतने ज्यादा खतरनाक और जानलेवा हैं कि हम इंसानों को कुछ मिनटों के अंदर ही मार सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 10 जीवों के बारे में बताने वाला हूँ जो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। इस वीडियो को बनाने का आइडिया मेरी जो पिछली वीडियो थी बास्किंग शार्क वर्सेस व्हेल शार्क वाली, उस पर जो कमेंट आया था जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वहां से मिला है। तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपके टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बने तो मुझे कमेंट मिलकर जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, एंगलर फिश। एंगलर फिश का साइंटिफिक नेम लॉम्बिफॉर्म्स होता है और ये एक मांसाहारी मछली है। इसका कलर डार्क ग्रे और डार्क ब्राउन हो सकता है। एंगलर फिश पत्थर और सीवीड के अंदर छुपना ज्यादा पसंद करते हैं। एंगलर फिश समुद्र के अंदर लगभग 2000 मीटर नीचे पाए जाते हैं और ये अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी पानी की गहराइयों में अंधेरे में ही बिताते हैं। ये मछली दिखने में बड़ी खतरनाक और डरावनी होती है। एंगलर फिश का मुंह साइज में बहुत ज्यादा बड़ा होता है और इनके पास नुकीले दांत होते हैं जिनका इस्तेमाल ये अपने शिकार को मारने के लिए करती है। नंबर 9, गोब्लिन शार्क। गोब्लिन शार्क का साइंटिफिक नेम मिट्सुकुरिना ओवरस्टोनी है। ये शार्क दिखने में बहुत ज्यादा डरावनी होती है और इसका मुंह भी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। साइंटिस्ट का यह मानना है कि रात के समय गोब्लिन शार्क पानी की सतह पर आते हैं। गोब्लिन शार्क का मुंह बड़ा ही फ्लेक्सिबल होता है। इनके दांत लिगामेंट से जुड़े हुए होते हैं और वो लिगामेंट इनके मुंह से जुड़ा हुआ होता है जिसकी मदद से अपने मुंह को ज्यादा खोल पाते हैं और जिसके कारण इनका मुंह बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। नंबर 8, बॉक्स जेलीफिश। बॉक्स जेलीफिश का साइंटिफिक नेम क्यूबोजोआ है। ये जेलीफिश बॉक्स की तरह दिखती है पर ये जेलीफिश जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव है ये उतनी ही ज्यादा खतरनाक है। बॉक्स जेलीफिश का जहर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि आसानी से 2 से 5 मिनट के अंदर 60 लोगों को मार दे। बॉक्स जेलीफिश की बहुत सी स्पीशीज समुद्र की गहराइयों में लगभग 9000 मीटर नीचे रहती हैं। बॉक्स जेलीफिश का वेट लगभग 2 किलो के आसपास होता है। इनके जो टेंटिकल्स होते हैं वो 3 मीटर तक ग्रो कर सकते हैं और बॉक्स जेलीफिश एक मांसाहारी जेलीफिश है। नंबर 7, लायन फिश। लायन फिश का साइंटिफिक नेम पेटेरॉइस है। ये लायन फिश दिखने में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है पर ये जितनी ज्यादा अच्छी लगती है ये उतनी ही खतरनाक है और इंसानों को इस मछली से दूर ही रहना चाहिए। लायन फिश की बॉडी पर जो स्पाइन्स हैं वो सबसे बड़ा खतरा है इंसानों के लिए। कोई भी इंसान अगर लायन फिश को डायरेक्ट पकड़ता है और वो स्पाइन्स उसके हाथों में चुभ जाते हैं तो लायन फिश अपना वेनम उस इंसान के शरीर में इंजेक्ट कर देती है। ये वेनम इतना खतरनाक होता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, बुखार हो सकता है, उल्टी आना शुरू हो सकती है, पर इसी के साथ साथ आपको कार्डियक अरेस्ट की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब जो मैंने आपको पहले 3 बताए, सांस लेने में कमी, बुखार और वॉमिटिंग, ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं, पर जो कार्डियक अरेस्ट है ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमारा जो हार्ट होता है वो वर्क करना बंद कर देता है जिसकी वजह से हमारी मौत हो जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि लायन फिश कितनी ज्यादा खतरनाक है। नंबर 6, ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस। इसका साइंटिफिक नेम हपेलो चलेना होता है। ये ऑक्टोपस दुनिया के सबसे जहरीले मैराइन एनिमल्स में से एक है और इसकी लेंथ 8 से 10 इंच तक हो सकती है। इस ऑक्टोपस के शरीर पर बहुत सारे ब्लू कलर की रिंग्स होती है और ये ऑक्टोपस बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। बेशक इसका साइज छोटा है पर यह आसानी से इंसानों को मौत के घाट उतार सकता है क्योंकि एक रिपोर्ट के हिसाब से ये कुछ मिनटों के अंदर 26 लोगों को मार सकता है अपने जहर की मदद से। तो इसलिए हमें इस ऑक्टोपस से दूरी रहना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। नंबर 5, स्टोन फिश। स्टोन फिश का साइंटिफिक नेम साइनेंसिया वेरुकोसा होता है। स्टोन फिश के बॉडी का कलर ग्रे और ब्राउन कलर का होता है और इनके शरीर पर कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर रेड, येलो और ऑरेंज कलर भी होते हैं। स्टोन फिश स्टोन की तरह दिखती है और आसानी से किसी भी एनवायरमेंट में अपने आप को मिक्स कर लेती है जिसकी वजह से किसी को भी यह पता नहीं चलता कि यह स्टोन है या स्टोन फिश। स्टोन फिश अपने शिकार को एक झटके में खाना पसंद करते हैं। स्टोन फिश को खाने में छोटी मछलियां, श्रिम्प और छोटे क्रस्टेशियंस खाना पसंद होता है। स्टोन फिश साइज में बहुत ज्यादा छोटी होती है पर जितनी छोटी है ये उतनी ही ज्यादा खतरनाक है और इंसानों को इससे दूर रहना चाहिए क्योंकि इसकी बॉडी पर स्पाइंस होते हैं जो बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं। अगर कोई इंसान इसे डायरेक्ट पकड़ ले या इसके ऊपर चढ़ जाए तो ये स्पाइंस उसकी बॉडी के अंदर वेनम इंजेक्ट कर देते हैं और इसका वेनम इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि आपके पैर में सूजन हो सकती है, आपको पैरों में दर्द हो सकता है और अगर आपका एक घंटे के अंदर इलाज नहीं हुआ तो आपकी मौत भी हो सकती है।
तो आप सोच सकते हैं कि स्टोन फिश कितनी ज्यादा खतरनाक है। तो मेरे हिसाब से इंसानों को इस मछली से दूर रहना चाहिए। नंबर 4, फ्रेड शार्क। फ्रेड शार्क का साइंटिफिक नेम चमारेलोस सेलुचस एंगियोनिस होता है। ये शार्क 7 फीट तक लंबे हो सकते हैं और इनका वजन 1.3 पाउंड तक होता है। ये शार्क भी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। ये शार्क खाने के अंदर छोटी मछलियां, स्क्विड्स और दूसरे शार्क को खाना पसंद करती है। इस शार्क के पास मुंह के अंदर नुकीले दांत होते हैं जिसका इस्तेमाल अपने शिकार के टुकड़े करने के लिए करती है। इंसानों को इस शार्क से दूर रहना चाहिए क्योंकि इसके नुकीले दांत एक शार्क की एबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 3, लैम्प्रे। लैम्प्रे का साइंटिफिक नेम पेट्रोमाइजोंटिफॉर्म्स होता है। लैम्प्रे कोस्टल एरियाज और फ्रेश वाटर्स में पाए जाते हैं। ये जीव अपने शिकार के ऊपर चिपक कर उसका खून चूसते हैं। लैम्प्रे दिखने में तो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और ज्यादा डरावने भी नहीं होते, पर इनका जब हम लोग मुंह खोलते हैं और हमें जो दृश्य दिखता है वो बहुत ज्यादा भयानक होता है। इनके मुंह के अंदर बहुत सारे नुकीले दांत होते हैं जिसका इस्तेमाल अपने शिकार के ऊपर पकड़ बनाने के लिए करते हैं। पकड़ बनाने के बाद ये अपने शिकार के शरीर में से खून चूसना शुरू कर देते हैं। ये इतनी बेरहमी से अपने शिकार का खून चूसते हैं कि जब शिकार अपने शरीर से लैम्प्रे को हटाने की कोशिश करता है तो उसका मांस का टुकड़ा भी अलग हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं ये जीव कितना भयानक है। नंबर 2, ग्रेट व्हाइट शार्क। ग्रेट व्हाइट शार्क का साइंटिफिक नेम करकारेडॉन करकारियास होता है। ग्रेट व्हाइट शार्क के बारे में तो आप सब जरूर जानते होंगे। ये बहुत ज्यादा खतरनाक शार्क होती है। इसके मुंह के अंदर 300 नुकीले दांत होते हैं जिसका इस्तेमाल ये अपने शिकार के टुकड़े करने के लिए करती है। ग्रेट व्हाइट शार्क का बाइट फोर्स 4000 PSI का होता है और इनकी स्पीड पानी के अंदर 56 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो आप सोच सकते हैं ये शार्क कितनी ज्यादा खतरनाक है। नंबर 1, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल का साइंटिफिक नेम बलिनोपेट्रा मस्कुलस है। ब्लू व्हेल को सल्फर बॉटम व्हेल भी कहा जाता है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा मैमल भी माना जाता है। ब्लू व्हेल साइज में बहुत ज्यादा बड़ी होती है और ये अपने खाने को भी फिल्टर करके खाती है। ये खाने के अंदर छोटी मछलियां, क्रस्टेशियंस और स्क्विड्स को खाना पसंद करती है। ब्लू व्हेल के टंग का वजन एक एलिफेंट के वजन के बराबर होता है और ब्लू व्हेल के हार्ट का वजन एक ऑटोमोबाइल के वजन के बराबर होता है। ब्लू व्हेल डायरेक्टली किसी के ऊपर हमला नहीं करती है। वो समय समय पर अपने मुंह के अंदर पानी लेती रहती है। अगर कोई इस पानी के अंदर आ जाए और ब्लू व्हेल के मुंह के अंदर चले जाए तो फिर वो ब्लू व्हेल का शिकार हो सकता है, पर डायरेक्टली ब्लू व्हेल कभी भी किसी का शिकार नहीं करती। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको जिन 10 जीवों के बारे में बताया उनमें से आपको कौन सा सबसे ज्यादा खतरनाक लगा मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।